नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी नेपाल में कोरोना के प्रसंग से। पिछला 24 घंटा में देश भर कोरोना वायरस के 8,960 जना संक्रमित थपायल। अही संगे नेपाल में संक्रमित के कुल संख्या 4,31,191 पहुंचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक। पिछला 24 घंटा में देश भर 20,245 जना के कोरोना परीक्षण कैल गया। 19,474 जना के PCR आ 771 जना के एंटीजन परीक्षण कैल गया। पिछला 24 घंटा में थप 5,055 जना संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन धरि 3,21,510 जना संक्रमण मुक्त भ चुकल। तहिना 214 जना के पिछला 24 घंटा में जान गेल। एखन धरि कोरोना संक्रमण से 4,466 जना के जान जा चुकल, मंत्रालय जनौलक। काठमांडू उपत्यका में पिछला 24 घंटा में 3,562 जना में संक्रमण पुष्टि भेल। काठमांडू जिला में 2,733, ललितपुर में 481 आ भक्तपुर में 348 में संक्रमण पुष्टि भेल। देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 1,05,207 पहुँचल। काठमांडू उपत्यका में मात्र 42,000 से बेसी कोरोना संक्रमित रहल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 517 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य निदेशालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में सबसे बेसी 199, महोत्तरी में 85, परसा में 73, सप्तरी में 43, सिरहा में 45, बारा में 17, सरलाही में 10, रौथट में 7 आ अन्य प्रदेश के 8 गोटे संक्रमित भेटल। अही संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 25,264 पहुँचल। अही संगे प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमाव वाला के संख्या 274 पहुँचल। तहिना 17,239 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 7,751 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल। धनुषा में फेर से 10 दिन निषेधाज्ञा थप कैल गेल। बैसाख 31 गते रात 12 बजे से जेठ 10 गते रात 12 बजे धर के लेल जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा निषेधाज्ञा जारी कलक। प्रमुख जिला अधिकारी बंधु प्रसाद बास्तोला सूचना जारी करत जेठ 10 गते धर के लेल निषेधाज्ञा थप कैल गेल जानकारी दिलन। कोरोना के दोसर लहर में बीसल बैसाख 21 गते से 31 गते धर के लेल निषेधाज्ञा थप कैल गेल। सरलाही में जारी निषेधाज्ञा 10 दिन बढ़ाओल गेल। जिला COVID-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र DCCMC के बृहस्पति दिन बैठक से निषेधाज्ञा के जेठ 10 गते रात 12 बजे धर के लेल निरंतरता देव के निर्णय भेल। प्रमुख जिलाधिकारी हेमराज तामांग जानकारी दिलन। कोरोना संक्रमण और बढ़त जा रहल समय निषेधाज्ञा के 10 दिन थप लंबा करके निर्णय भेल ओ जानकारी दिलन। अहिसे पहिने बैसाख 25 गते से बैसाख 31 गते रात 12 बजे धर के लेल निषेधाज्ञा जारी कैल गेल छल। COVID-19 संक्रमण के दोसर लहर संगे लक्षण सहित के संक्रमित सबक संख्या बढ़ लगला बाद काठमांडू महानगरपालिका बृहस्पति दिन से PCR के लेल स्वाब संकलन के काज शुरू कलक। काठमांडू महानगरपालिका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में पड़ल आ लक्षण देखल गेल के निःशुल्क PCR परीक्षण करक लेल स्वाब संकलन कलक। कोविड संक्रमण के कमी अयला बाद महानगर 5 केंद्र तोड़ि व्यवस्थापन केने छल, लेकिन केंद्र में नहीं पहुँचे वाला स्थान में सेहो आवश्यकता के आधार में PCR के लिए स्वाब संकलन के व्यवस्था में मिलबैत आयल। महानगर अपन स्वास्थ्यकर्मी लगात ओहि कार्य में जुटा कर्मचारी सबके कोविड संक्रमण देखल गेला बाद किछ समय स्वाब संकलन के स्थगित केने छल। दोसर लहर में लक्षण सहित के संक्रमित के संख्या अत्यधिक वृद्धि भेल आ जटिल किस्म के लक्षण सेहो देखा लगला बाद महानगर जनशक्ति थप क भेलो पर PCR के लेल स्वाब संकलन के फेर से संचालन में अन्य महानगर पालिका के जनस्वास्थ्य प्रमुख हरिबहादुर कुंवर जानकारी दिलन। यो काठमाडौँ महानगरपालिका भन्दा पनि यो नेपाल सरकार जनसङ्ख्या स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको 2078/1/22 निर्णय अनुसार काठमाडौँमा चाहिँ यो खोप केन्द्र जुन 2077 चैत 25 गतेदेखि 2078 वैशाख 15 गतेसम्म लगाएको जुन भेरोसेल छ 18 वर्षदेखि 59 वर्षसम्मको त्यो बिहारीहरूलाई निःशुल्क रूपमा सेवा स्वाब कलेक्सन गरेर केन्द्रीय प्रयोगशाला टेकुमा दि बिहान चाहिँ त्यो जुन भनौँ न तरकारी फलफुल बिक्री गर्ने वार्ड वार्ड में सचेतना फैलावे के साथे संक्रमित भेल घर में बीमार के व्यवस्थापन सहयोग आ उपचार के लेल सचेतना टीम गठन का 3200 वार्ड में काज कर जका सचेतना टीम घोषणा कैल गेल जानकारी देलन। महानगर विषम परिस्थिति में सेहो क्यों भूखे नहीं रह जका विपन्न परिवार के खाद्यान्न के व्यवस्था कर
वार्ड सबके समन्वय करैत काज कर रहल जनस्वास्थ्य प्रमुख कुमार बतौलन। कोविड नियंत्रण तथा रोकथाम समन्वय समिति काठमांडू बृहस्पति दिन सवारी अनुगमन कलक। काठमांडू के प्रमुख जिला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली के नेतृत्व में जिला स्थित सुरक्षा निकाय के अधिकारी सहित के टोली सवारी आवागमन के स्थलगत निरीक्षण कलक। निषेधाज्ञा में काठमांडू के सड़क में उल्लेख्य मात्रा में सवारी साधन संचालन होबय लगला बाद सवारी पास के दुरुपयोग के अनुसंधान कर टोली सड़क में निकलल छल। अनुगमन के क्रम में सवारी पास के दुरुपयोग कैल गेल पाओल गेल। महानगरीय प्रहरी परिसर के प्रमुख SSP अशोक सिंह जानकारी देलन। सवारी साधन सब अस्पताल के पास आगा रखने आ भीतर दूसरे सामग्री राख कर सुरक्षा निकाय के ठग रहल ओ बतौलन। ओ सुरक्षाकर्मी के झूठ बाज कर सवारी पास के दुरुपयोग करैत आ अनावश्यक रूप में आवागमन करय वाला के चेक जाँच कर कार्यवाही कैल जात बतौलन। सुरक्षा निकाय के अधिकारी सहित के जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू के टोली भद्रकाली थापाथली त्रिपुरेश्वर कालीमाटी कलंकी कोटेश्वर नया बानेश्वर बबरमहल सोरखुट्टे लगायत स्थान में अनुगमन केने छल। संविधान के धारा 76 के उपधारा 2 अनुसार बहुमत नहीं पहुँच स्थिति भेला बाद प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार के नेतृत्व के दौड़ से पछा हटल। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर पक्ष प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के पक्ष में ठाड़ भेला पर कांग्रेस सरकार गठन के लिए बहुमत पहुंचाब नहीं सकल। बूढ़ा नीलकंठ स्थित सभापति शेरबहादुर देउआ के निवास में बैसल पदाधिकारी बैठक से बहुमत नहीं पहुंचल स्थिति अला बाद सरकार के नेतृत्व के दावी कर के अवस्था नहीं बनल सह महामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत जानकारी दिलन। साथे ओ एक बेर प्रतिनिधि सभा में विश्वास के मत गुमा चुकल प्रधानमंत्री ओली धारा 76 के उपधारा 2 बमोजिम जसपा संग मिलकर सरकार के नेतृत्व दावी कर नहीं मिलत तर्क कलन। कोमा जाने कुरा अब त्यो सम्भावना देखिएन। हामी त तयारै सुरुदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेस तयारै हो। तर 76-2 अनुसार जुन आज दाबी गर्ने समय थियो 9 बजीसम्म यसभित्र अरू सहयोगी दलहरू को पनि निर्णयको आवश्यकता पर्थ्यो। जसमा जसपामा पनि त्यो एकमतले निर्णय गर्ने अवस्था देखिएन र माधवजीहरूले पनि निर्णय गर्न सक्नुभयो। त्यस हुनाले दाबी गर्ने अवस्था अब रह्यो। भनेपछि अब नजानु नि भयो। अब समर्थन त्यसलाई आवश्यक समर्थन जुन जुटाएर जानुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा 3 दलको समर्थन आवश्यकता पर्छ। संविधान के धारा 76 के उपधारा 2 बमोजिम के सरकार गठन के लेल निर्णायक मत के रूप में रहल जसपा में महंत ठाकुर समूह प्रधानमंत्री ओली के पक्ष में रहल तो उपेंद्र यादव समूह ओली के विपक्ष में रहल। नेकपा MLA स्थायी समिति वरिष्ठ नेता माधव नेपाल लगायत 4 नेता ऊपर कैल गेल कार्यवाही फिरता कलक। प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में बृहस्पति दिन भोरे बैसल स्थायी समिति बैठक वरिष्ठ नेता माधव नेपाल उपाध्यक्ष भीम रावल घनश्याम भूषाल आ सुरेंद्र पांडे के निलंबन फुकवा कर के निर्णय कलक। पार्टी एकता के रक्षा के लिए विगत के बात बिसर कर एकता में योगदान का आह्वान करते 4 नेता ऊपर कैल गेल निलंबन फुकवा कर के निर्णय बैठक केने नेता प्रदीप गेवाली जानकारी दिलन। तहिना बैठक से पार्टी भीतर आ राष्ट्रीय राजनीति में देखल गेल परिस्थिति के संदर्भ में आवश्यक निर्णय कर के अधिकार अध्यक्ष ओली के प्रत्यायोजन कर के निर्णय कैल गेल जानकारी दिलन। संचारकर्मी साथी स्थायी कमिटी को 4th बैठक भर्खर संपन्न भएको छ। छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय गर्ने त्यो अख्तियारी पनि त्यो अधिकार पनि अध्यक्षलाई छ। तर जस्तो प्रतिकूल अवस्थामा देशभरको सिङ्गो पार्टी पंक्ति उभिएको छ उहाँहरूको मनोबल खस्काउने अथवा यो असाध्य प्रतिकूल अवस्थाभित्र नेतृत्वको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभएका पूर्व माओवादी कमरेडहरू जो अहिले नेकपा एमालेमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने खालका कुनै पनि निर्णयहरू हुँदैनन्। तर अन्य कतिपय कुराहरूमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यो छलफल बैठक बागमती प्रदेश सभाका सदस्य पशुपति चौलागाईको निधनमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेत
पार्टी के झंडा 3 दिन झुकावक निर्णय कल। बैठक में पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी ओली कोविड महामारी के बढ़त चुनौती आ कोविड नियंत्रण तथा रोकथाम के लिए सरकार के ने तैयारी के जानकारी करौने। अही बीच नेता गेवाली पार्टी 2075 साल जेठ 3 गते के अवस्था में फिरता होब के संभावना नहीं रहल संकेत कल। गर्ने आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई प्रत्यायन गरिएको छ। गुरुङ अथवा शङ्कर पोखरेल पार्टी काममै हुनुहुन्थ्यो, त्यसो भएर त्यहाँको लुम्बिनी अथवा गण्डकी प्रदेशको इन्चार्ज परिवर्तन गर्नु परेन। तर अरू प्रदेशका इन्चार्जहरू त अर्को अर्को बाटो हिँड्नुभयो, त्यो बेलामा के गर्नुपर्थ्यो? पार्टीले केही त व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। यदि उहाँहरू फर्किनु भयो भनेदेखि स्वाभाविक रूपले कार्यविभाजनमा त छलफल गर्न सक्छ। स्थायी कमिटीको हकमा चाहिँ स्थायी कमिटीमा त उहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। स्थायी कमिटीको ढोका कहिले पनि हामीले बन्द गरेका छैनौँ। त्यसमा दुईवटा कुरा छ, एउटा अब हामी कहाँ अक्सिजन खास गरेर लिक्विड अक्सिजन हाम्रो उत्पादन हुँदैन, त्यसका लागि हामीले मित्र राष्ट्र भारतसँग लगातार पहलहरू गरिरहेका छौँ। बिचमा झन्डै 10 दिन भारत सरकारले नेपालमा निर्यात रोक लगाएको थियो, कूटनीतिक पहलबाट त्यसमा हामीले खोल्यौँ र अहिले 2 ट्याङ्करहरू ठुला र एउटा सानो ट्याङ्करले नियमित रूपमा ल्याइरहेका छन्। नेता गेवाली नेपाल खनाल समूह विगत में सेहो दल के अध्यक्ष के अध्यक्ष से साधारण सदस्य से सेहो बर्खास्त कर के काज केने तथा विश्वास के मत ले वाला दिन प्रतिनिधि सभा में अनुपस्थित भ विपक्षी दल के मदद कर के काज कर ले केने कहत पार्टी एकता के रक्षा के लेल सकारात्मक ढंग से योगदान कर सेहो बैठक आह्वान केने बतौलन। नेकपा एमाले पार्टी भीतर के आंतरिक विवाद मिलाब कार्यदल गठन कर लागल। अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच बृहस्पति दिन भेल भेटघाट में पार्टी भीतर के अंतर विरोध के समाधान ताकक लेल कार्यदल गठन कर के सहमति भेल। प्रधानमंत्री ओली संग के भेंट बाद संचारकर्मी के प्रतिक्रिया दैत नेता नेपाल तत्काल के लेल राजीनामा देव के विषय घुसकाल गेल आ पार्टी भीतर देखल गेल विवाद समाधान कर कार्यदल गठन कर के सहमति भेल जानकारी देलन। ओ बैसाख 26 गते अध्यक्ष ओली के पठौने 6 बुदे प्रस्ताव में छलफल भेल आ सर्वोच्च अदालत के फैसला बमोजिम 2075 जेठ 2 गते के अवस्था में पार्टी के फिरता कर ढंग से आगा बढ़ाब छलफल भेल जानकारी देलन। ओ छलफल आगा निक दिशा में बढ़ रहा बतौलन। फिर्ता गर्ने त्यस पश्चात भएका निर्णयहरू र सर्वोच्चको फैसला बमोजिम त्यो 2 गतिको अवस्थामा पुर्याउने र पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनका लागि हामीले तरिका कुन तरिका अवलम्बन गर्ने हो भन्ने बारेमा छलफल जारी राख्ने भन्ने कुरा भएको छ, कुरा जारी छ र अब विभिन्न तहमा कुराकानीहरू अगाडि अब राजीनामा 2-4 दिनमा बृहस्पति दिन भोरे बैसल नेकपा एमाले स्थायी समिति बैठक राष्ट्रीय राजनीति में पार्टी भीतर महत्व रखने संपूर्ण विषय के निर्णय कर के अधिकार अध्यक्ष ओली के देने छल। साथे अंतर पार्टी एकता आ सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक निर्णय लेव के अधिकार सेहो अध्यक्ष ओलिये के देने छल। एहि बैठक से नेता नेपाल सहित 4 जना नेता ऊपर लगाओल गेल निलंबन फुकुआ कल गेल छल। धुलिखेल नगरपालिका कोविड-19 संक्रमण के जोखिम रह दिन धरि होटल व्यवसाय के तीर वाला व्यवसाय कर मिन्हा कर लागल। कोविड-19 संक्रमण के पहल लहर के समय पिछला वर्ष निषेधाज्ञा बंदाबंदी के समय में होटल व्यवसाय चल नहीं सकल कहित बंदाबंदी के समय के व्यवसाय कर मिन्हा कैल गेल छल। धुलिखेल नगरपालिका के प्रमुख अशोक ब्यांचु श्रेष्ठ कोरोना के कारण समस्या में पड़ल व्यवसायी सब के व्यवसाय कर छूट देव लागल बतौलन। ओ होटल तथा पर्यटन व्यवसाय धुलिखेल के महत्वपूर्ण योगदान पहुँचौने कहित अपना सब से हो व्यवसायी के समस्या बुझ कर छूट कर के निर्णय केने जानकारी हामी यो जुन समस्या आइराखेछ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नका लागि होटल व्यवसायीहरूसँग हामीले छलफल गरेका छौँ। आगामी दिनमा पनि हामीले चाहिँ गर्ने भनेर हामीले योजना बनाएका छौँ। नेपालमा पहिलो पटकै होला सायद व्यवसायहरूलाई कोभिडको बेला लकडाउनको बेला उहाँहरूको व्यवसायमा समस्या परेको कारणले ट्याक्स नै मिना गरिदिएको नगरपालिका हामी नै हौँ।
र अहिले हामीले चाहिँ अहिले धुलिखेत नगरपालिकामा उहाँहरुको त्यो समस्याको लागि यो अहिले आएको समस्याले हल गर्न हामीले छलफल गर्दै छौं। हामी उचित व्यवस्थापन त गर्छौं नै, त्यसमा केही समस्या छैन। किनभने व्यवसाय मैत्री शहर भयो भने मात्र व्यवसायले राम्रो व्यवसाय गर्न सक्छ। राम्रो व्यवसाय गर्यो भने मात्र त्यहाँको चाहिँ रोजगार सृजना हुन्छ, त्यहाँको चाहिँ आर्थिक समुन्नति सुदृढ हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी गरिरहेका छौं। धुलिखेल नगरपालिका क्षेत्रमे सामान्यसँग विश्वस्तरीय होटल सब सञ्चालनमे रहल अछि। स्वच्छ वातावरण, हिमालके मनोरम दृश्य देखके लेल दूर दूरसँ पर्यटकसभ ओतय पहुँचैत अछि। कञ्चनपुरमे ट्रैक्टरके ठक्करसँ मोटरसाइकिलमे सवार दू जनाके जान गेल अछि। बृहस्पतिके दुपहर कृष्णपुर नगरपालिका 6 गौरीफाटमे C1T4441 नम्बरके ट्रैक्टर C3P3005 नम्बरके मोटरसाइकिलके ठक्कर देने छल। जान गुमावलामे 28 वर्षक प्रकाश रोकाया आ 30 वर्षक सुरेश जप्रेल रहल, प्रहरी जनौलक अछि। दुर्घटनामे गंभीर घायल भेल दुनूके उपचारके लेल धनगढ़ी लऽ जेबाक क्रममे रस्तेमे जान गेल। जिला प्रहरी कार्यालय कैलालीके प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक भरत चौधरी जानकारी देलनि। बेस तऽ अपन समाचार एखन लैत बा, पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।